अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 इज एम एंड आर के बारे में, जानेंगे कि ये कहाँ यूज होते हैं। वी यूज इन व्हेन वी स्पीक और राइट अबाउट वन पर्सन और थिंग्स। किसी भी एक पर्सन के बारे में या चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको इज यूज करते हैं किसी एक चीज के लिए। इज यूज विथ ही शी इट और अ सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो कोई एक चीज के लिए इसको इज यूज होता है। आर इज यूज विथ यू वी दे और अ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी एक से ज्यादा होंगे उसके लिए लगेगा आर। वी यूज आर व्हेन वी स्पीक और राइट अबाउट पर्संस और थिंग्स। वी यूज एम विथ आई। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम आर को यूज करते हैं तो यहाँ पर एम भी कहीं कहीं उसके साथ बोलते में यूज होता है। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ देखेंगे कि इज एम एंड आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ड। ये तीनों चीज जो है एक जुमला तैयार करने में, एक सेंटेंस को बनाने में हेल्पिंग वर्ड की तरह हमें यूज होता है। तो मैं यहाँ पे पेन लेती हूँ और इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। अब रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ जुमले दिए हुए हैं, सेंटेंस है, उसको क्या करेंगे हम पढ़ के देखेंगे। आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आई के साथ एम लग गया, यानी कि ये एक अकेले की बात है, तो ये अ स्टूडेंट यानी ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूं ऐसा ये कह रहा है। आई एम दीपक, मैं दीपक हूं। एम का मतलब है हूं और ये एक सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। इट इज अ बिग प्ले ग्राउंड, ये एक बिग प्ले ग्राउंड है। द शॉप इज क्लोज, दुकान जो है वो बंद है। और यहाँ पे क्या है, द शॉप इज क्लोज, इट इज अ ग्लोब, ये एक ग्लोब है। दैट इज अ योर बॉल, दैट इज योर बॉल, ये तुम्हारा बॉल है, यानी ये तुम्हारे लिए भी देखिए इज यूज हो रहा है, ये अकेले के लिए बात हो रही है। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो सब जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो ज्यादा है लोग, तो क्या लग गया आर। रिचा इज माई फ्रेंड, रिचा क्या है, उसकी दोस्त है। अब यहाँ पे आगे भी देखेंगे, शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है। ही इज अ गुड बॉय, वो एक गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। वी आर कजिन्स, तो हम सब क्या है, कजिन्स है। अब हम सब यानी बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या आ जा रहा है आर। दे आर स्टूडेंट्स, वो सब जो है वो स्टूडेंट्स है, तो बहुत ज्यादा है इसलिए क्या लग गया आर, मेनी के लिए, प्लूरल के लिए। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, एक एलिफेंट है जो कि बहुत बड़ा जानवर है, तो अकेला है इसलिए लगा है इज। बट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स जो है बहुत ज्यादा है, देखिए एस लगा है ना, इसका मतलब वो ज्यादा है, तो वो सब क्या है उसके साथ लग गया आर। उसको वो क्या सब कर रही है, फ्लाइंग कर रही है स्काई में। दोज आर फ्लावर्स, वो सब फ्लावर्स हैं, तो ये देखो आर लग गया। दीज आर ट्रीज, ये भी ज्यादा है इसलिए आर लग गया। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूं, ये सब एक जुमले में किस तरह यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ लगेगा एम और ही शी इट दिस दैट, इन सब के साथ लगेगा इज। वी दे यू दीज दोज, इनके साथ लगेगा आर। चलिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ एक्सरसाइज ए में हम देखेंगे कि फिल अप द ब्लैंक्स विद इज एम एंड आर। ठीक है, द गर्ल डैश वियरिंग अ प्रेटी फ्रॉक, अब गर्ल क्या है अकेली है, तो यहाँ पे लगेगा इज। द गर्ल इज वियरिंग, यानी उसने जो है एक बहुत प्रेटी फ्रॉक पहन लिया है। दूसरा है कि कैट्स एंड डॉग्स, अब देखिए कैट्स भी है और डॉग्स भी है, मेनी है, तो आर वो ज्यादा हो गए ना, कैट्स एक अकेली नहीं है, डॉग भी अकेला नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा आर। पेट एनिमल्स, आई सिक्स इयर्स और आई, तो यहाँ पे लगेगा आई के साथ एम। ठीक है, एम लग जाएगा यहाँ पर, तो आई एम सिक्स इयर्स ओल्ड। फोर्थ में हैगा चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रेन अब आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आर, चिल्ड्रेन्स आर, क्योंकि एक एक बच्चा होता है तो चाइल्ड होता है, यहाँ पे
चिल्ड्रेन है तो यहाँ पे लगेगा आर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में वो सब खेल रहे हैं। इट, इट के साथ हमेशा लगता है इज, इट इज रेनी, क्या है, रेनिंग नाउ, ठीक है। दीपक एंड पवन दो हो गए, आर फ्लाइंग काइट्स, क्या कर रहे हैं वो सब, ठीक है, आर फ्लाइंग काइट्स, वो लोग पतंग उड़ा रहे हैं। आई के साथ हमेशा लगता है एम, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब यहां पर है देयर, अब यहां टू चेयर है तो यहां देयर के बाद टू चेयर से भी हम समझ गए कि यहां पे लगेगा आर, देयर आर टू चेयर। माय पेंसिल डैश इज माय पेंसिल बॉक्स, माय पेंसिल इज इन माय पेंसिल बॉक्स, ये एक पेंसिल की बात हो रही है इसलिए इज लगा है। आई ईटिंग एन एप्पल, आई एम, आई के साथ हमेशा मैंने कहा कि एम लगता है, आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब बी में हम देखेंगे लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ एम इज एंड आर, इन तीनों को यूज करना है। यहाँ पे जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है उनके साथ कुछ जुमले बनाने को दिए जा रहे हैं, सेंटेंस पेक करना है और इसको देखते हुए हमें यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो नंबर वन पे है कि देयर डैश फोर कप्स ऑन अ टेबल, तो देयर आर यहाँ पे लगेगा आर फोर कप्स ऑन अ टेबल। अब देखिए ये यहां पर है, ये तस्वीर के बारे में बात हो रही है। सेकेंड है यहां पर देयर आर फ्लावर्स इन अ वेस, वेस में क्या है, फ्लावर्स हैं। देखो वेस में कितने फ्लावर है ना, बहुत ज्यादा है ना, तो ज्यादा के लिए क्या होता है, आर यूज होता है, ये प्लूरल है। और थर्ड में हम देखेंगे द बॉय डैश सिटिंग ऑन एन आर्म चेयर, द बॉय इज सिटिंग, एक ही लड़का है ना तो इसके साथ इज लगेगा। अब यहाँ पे देयर आर बैग ऑन अ टेबल, देयर, देयर के साथ आर लगेगा, ऑन द बेड, यहाँ पे आई एम, आई के साथ हमेशा लगता है एम, आई एम अवंतिका, आई हैव अ डॉल, आई एम अवंतिका, मैं अवंतिका हूं और मेरे पास डॉल है। अब यहाँ पे देयर इज, अब यहाँ पे देखिए क्लॉक ऑन अ वॉल, अब यहाँ पे ये जो है ना इज यहां होना चाहिए था, पहले ही उसने लिख दिया खाली जगह पे। There is a clock on the wall. तो ये वाला जो है ना इसको मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस यहाँ आना चाहिए था। तो ये जुमले हो गए रेडी। अब सी में देखेंगे टिक करना है, टिक द सेंटेंसेज दैट आर रिटन करेक्टली, जो भी करेक्ट सेंटेंस है उसके लिए यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। तो there is five children in this room. चिल्ड्रेन, तो ये क्या है, देयर इज, तो यहाँ पे इज लग गया है तो ये क्या हो गया, रॉन्ग है, आर होना चाहिए था। अब ब्रेवो इज अवर पेट डॉग, अब ब्रेवो इज अवर पेट डॉग है तो ये हमारा एक डॉग जो है वो ब्रेवो नाम है उसका, वो एक है ना, तो इज लग गया वो सही है। यू आर अ क्लेवर बॉय, यू आर, तुम एक क्लेवर बॉय हो, राइट। देयर इज सिक्स काइट, तो इज नहीं आएगा, जब सिक्स है तो यहाँ पे देयर आर आना चाहिए था, ये गलत है। आई एम वियरिंग अ न्यू शर्ट, आई एम, आई के साथ एम आएगा तो वियरिंग अ न्यू शर्ट सही है। तो यहां पर बच्चों हमारा ये सबक खत्म हुआ, ये लेसन आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,